हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक की वैकेंसी के बारे में। और वैकेंसी जो निकली है दोस्तों वो है चूरू, राजस्थान के अंदर। इसमें जो दोस्तों पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट अभी उसमें क्लेरिफाई नहीं है, क्योंकि हर पीएचसी पर दो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, हर सीएचसी पर तीन कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, हर ग्राम पंचायत में एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, और सिटी शहरी एरिया में भी हर वार्ड के अंदर दो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट। तो वो बहुत ज़्यादा, कम से कम 1,000 के पद आसपास तो निकल ही रहे हैं हर ज़िले में। तो इसमें भी आप जो है डिपेंड करता है कि आपके वहाँ कितने पीएचसी, सीएचसी, ग्राम पंचायत और वार्ड है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ रतनगढ़ चुरू, 20/5/2021। श्रीमान मुख्य शासक सचिव, राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक को 31 जुलाई 2021 तक चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न पद के अनुसार रखा जाना है। कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के लिए तो एमबीबीएस की वो चाहिए, और सैलरी यहाँ पे 39,300 है। ठीक है, पीजी मेडिसिन और उनको एनेस्थीसिया वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड स्वास्थ्य सहायक में जीएनएम विद आरएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7,900 रुपये। और यहाँ पर दोस्तों कितने पद हैं, तो यहाँ पे पद फिक्स नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर एक पद होगा। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी के स्तर पर दो पद होंगे, सीएचसी के स्तर पर तीन पद होंगे, शहरी क्षेत्र है तो एक वार्ड में पद होंगे। और का कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया जाना है। चयन सीनियर सेकेंडरी प्लस जेएनएम या बीएससी नर्सिंग के कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, मेरिट बनाई जाएगी आपके मार्क्स के हिसाब से, उसके बाद आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। उपलब्ध वर्णित पदों की योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थी अपने आवेदन गूगल फॉर्म्स के लिंक, इस लिंक को आप लिख लीजिए कहीं। ठीक है, https://forms.google6n3a2tsyjku2ub9। ये इसमें कैपिटल और स्मॉल का भी आपको ध्यान रखना है, के माध्यम से 25/5/2021 के शाम 6 बजे तक ऑनलाइन कर सकते हैं। निर्धारित समय एवं अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लिंक के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने पर कार्यालय के दूरभाष नंबर 01567222238 पर संपर्क किया जा सकता है। नोट, निर्धारित योग्यताधारी आवेदनकर्ता जिनका चयन किया जाता है उनको अपने प्रार्थना पत्र, स्वयं हस्ताक्षरित बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र, संतान धूम्रपान एवं अन्य आवश्यक शपथ पत्र, घोषणा पत्र के दो सेट मूल दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, जब आप कार्यग्रहण करेंगे तब आपको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में व ऑनलाइन आवेदन किए जाने वाले डाटा में भिन्नता होने पर चयन निरस्त किया जाएगा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। चूरू जिले के लोगों को लिया जाएगा प्राथमिक रूप से। फिर अगर संख्या कम होती है, कम पड़ती है, तो फिर दूसरे जिले के लोगों को भी लिया जा सकता है। और स्थानीय ये तो हो गया। चयन प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार नियमानुसार अभ्यर्थियों की योग्यता की मेरिट के आधार पर की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति की दशा में नया क्षेत्र शुरू होगा एवं उक्त विज्ञप्तियों को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला स्वास्थ्य कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आपके लिए वैकेंसी थी, 7,900 सैलरी। ठीक है, आप सैलरी को लेकर इतना परेशान नहीं हो। यहाँ पे एमबीबीएस और पीजी मेडिसिन वालों को भी 39,000 ही दे रहे हैं, तो वो तो कमी है, दूसरों उनके लिए भी कम है, डॉक्टर्स के लिए भी। तो ये था दोस्तों शायद आपके लिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।